at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ब्रिटिश शासन समय राजस्थान में अजमेर एकमात्र केन्द्र शासित प्रदेश हतो। अहीं थती दरेक प्रवृत्तिनो पड़घो अंग्रेज शासन सुधी पहुँचतो हतो। अजमेरना केसरगंज विस्तार में बनेलू आ गोल चक्कर देश ने गुलामीनी सांकळोमांथी मुक्त करावा लड़ी रहेला क्रांतिकारीओनी तमाम प्रवृत्तिओनु साक्षी रह्यु छे। महान क्रांतिकारी अर्जुनलाल सेठी सिवाय स्थानिक नेताओं अजमेर में स्वतंत्रता चळवळ की कमान संभाली थी। एक वक्त अंग्रेजों सामेनी मीटिंग दरमियान गोल चक्कर पास गोली पण चलावामां आवी हती। अजमेर में जो ये गोल चक्कर है ना केसरगंज में, वो अपने अजमेर राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कर्मस्थली थी और अजमेर मेरवाड़ा का पूरा स्वतंत्रता आंदोलन अजमेर से गाइड हुआ था। हाँ, गोली भी चली, गोली मेरे लगी, इस टाइम मेरे गोली लगी, ये वो छट के इधर रगड़ खा के निकल गई। देखो है, ये अंग्रेजों को थोड़ा खिलाफ बोल गए थे तो वहाँ पुलिस रहती थी गोल चक्कर पे चारों तरफ, तो अब आप जानो हर एक तरह के स्वतंत्रता सेनानी थे। आग लग रही थी मुल्क के अंदर कि भाई कैसा आजाद हो, मरने की परवाह नहीं थी। हिंदुओं ने मुस्लिमों ना बे मोटा धार्मिक स्थलों पुष्करनु ब्रह्मा मंदिर अने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्तीनी दरगाह पण अजमेरमां छे, तेथी क्रांतिकारीओ भक्तोना वेशमां अजमेर आवता हता अने तेमनो हेतु पूर्ण थया पछी पाछा जता रहेता हता। नेताजी सुभाषचंद्र बोझ पण अजमेरमां रोकाया हता। चंद्रशेखर आझाद आतेडना बगीचामां आवेली टेकरी पर एक झूंपड़ीमां रहेता हता। भगतसिंह पण ब्यावरमां आव्या हता। आतेडमां पहाड़ी पे एक कुटिया थी, उस कुटिया में चंद्रशेखर आजाद छिप के रहे थे और हमारे यहाँ जो मदन गोपाल जी यादव थे, अपने विजय यादव के पिताजी, वो एक बकरी चराने के बहाने से वहाँ जाते थे, उनको दूध रोटी दे के आते थे। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति नेता अर्जुनलाल सेठीए पण अजमेर में रहीने क्रांति नो प्रकाश जगाव्यो हतो। सेठीए वर्ष 1905 में बंगाल ना विभाजन नो विरोध कर्यो हतो। वर्ष 1907 में अजमेर में जैन एजुकेशन सोसायटी ना नामे एक शाला की स्थापना करवामां आवी हती। 1908 में आ शाला ने जैन वर्धमान पाठशाला ना नाम थी जयपुर खसेड़वामां आवी हती। तेनो हेतु युवानों ने क्रांतिकारी तालीम आपवानो हतो। 12 डिसेम्बर 1912 ना रोज दिल्ली में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ना सरघस पर बॉम्ब फेंकनारा क्रांतिकारियों झोरावर सिंह बारहट अने प्रताप सिंह ने तेमनी शाला में तालीम मिली थी। सेठीए ज आ बॉम्ब धड़ाका की योजना बनावी थी। अजमेर में टेकरी पर एक छूपो रस्तो हतो, तेनी मध्य में एक मोटी जगह थी ज्यां क्रांतिकारियों बॉम्ब बनाता था। वहां पर बम्ब बनते थे, बम की हम लोग सप्लाई करते थे। जाने हम युवा थे, हर तरीके के हमें ट्रेनिंग दे रखी थी और हर तरीके के हम काम करते थे। अर्जुनलाल सेठीए युवा क्रांतिकारियों ने दरेक मोर्चे लड़वा माटे तैयार कर्या हता। 20 मार्च 1913 ना दिवसे सेठी ने क्रांतिकारियों माटे भंडोल एकत्र करवाना उद्देश्य साथे एक महंतनी हत्या माटे जेलमां मोकलवामां आव्या हता। 5 ऑगस्ट 1914 ना रोज तेमने 5 वर्षनी सजा करवामां आवी हती। 1920 सेठी ने जेलमांथी मुक्त करवामां आव्या, त्यारथी अजमेर ने तेमणे कायमी घर बनाव्युं हतुं। फ्रीडम फाइटर अर्जुनलाल जी सेठी ने अजमेर प्रवास किया था, अपने आप को अंग्रेजों से गिरफ्तारी से छिपाने के लिए। अजमेर रहकर के उन्होंने क्रांतिकारियों का और नरम दल वालों का दोनों का मार्गदर्शन किया, देश के आजादी आंदोलन को गति दी। अर्जुनलाल सेठीए वर्ष 1922-23 में राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा प्रांतीय कांग्रेस की जवाबदारी संभाली थी। कहवाय छे के ते दरमियान महात्मा गांधी पोते अर्जुनलाल सेठी ने मळवा अजमेर पहुंचा था। और ये इतने बड़े फ्रीडम फाइटर थे कि जिनसे मिलने महात्मा गांधी अजमेर चल के आए और उनसे हम मुलाकात करी, उस मुलाकात की चर्चा इतिहास में कहीं नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, अदरवाइज आपको पता पड़ता
कि अर्जुन लाल सेठी का कितना बड़ा योगदान था। अर्जुन लाल सेठी नु अंतिम जीवन विस्मृति में बीत्यु हतु। 3 डिसेम्बर 1941 ना दिवसे तेमनु निधन थयु हतु। दुर्भाग्य बात यह है कि जिस देश की आजादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उस भारतवर्ष में अर्जुन लाल सेठी को अपने अंतिम दिन गुमनामी में बिताने पड़े। किंवदंती यहाँ तक है कि वो दरगाह में एक फकीर के वेश में रहे थे। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ आपको, हम कितने कृतज्ञ हैं कि जो व्यक्ति अपना सर्वस्व, जिनके बेटे भी हैं, जिनकी पत्नी भी है, जिनका परिवार भी है, वो सब छोड़ करके देश की आज़ादी के लिए काम कर रहा है, जिससे महात्मा गांधी राय ले रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी यदि गुमनामी में जीवन बिताना पड़े तो हम कितने कृतज्ञ हैं, ये सोचने की बात है। ये बात मैंने आपको इसलिए बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ। अफसोस ए बात नो छे कि आवा महान क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी नी एक मूर्ति पण अजमेर मां नथी। जो के तेमना नामे शहर नी बहार एक कॉलोनी बनावामां आवी छे। अजमेर नी धरा पर आवा महान क्रांतिकारी ना नामे बस मात्र एक बोर्ड उपर लखवामां आव्यु छे। प्रियांक शर्मा, ईटीवी भारत, अजमेर।